good morning students this is Mayuri Kashyap biology faculty from Optimus Medicus Institute Boring Road Patna today we are going to start biogeochemical cycle so first of all we understand the meaning of biogeochemical cycle what is biogeochemical cycle bio means life living organism geo means earth okay? and chemical cycle yani, हमारे अर्थ पे हमारे अर्थ के अलग अलग स्पेयर्स पे अलग अलग स्पेयर्स कहने का मतलब लिथोस्फेयर हाइड्रोसफेयर एटमोसफेयर बायोस्फेयर इन सब जगहों पे, इन सब स्पेयर्स पे, जो केमिकल का साइकिल चल रहा है केमिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट इज़ बायो जियो केमिकल साइकिल बायोजियोकेमिकल केमिकल साइकिल कहने का मतलब केमिकल्स का साइकिल न्यूट्रिएंट का साइकिल कहने का मतलब क्या न्यूट्रिएंट्स का केमिकल्स का हमारे अर्थ के अलग अलग इस्फेयर्स पे जो मूवमेंट हो रहा है अलग अलग स्फेयर्स कहने का मतलब लिथोसफेयर यानी जो लैंड है इनपे मूवमेंट या एटमोसफेयर यानी एयर में मूवमेंट या हाइड्रोसफेयर वाटर में मूवमेंट तो ये जो मूवमेंट है केमिकल्स का इसे ही हम क्या बोल रहे हैं बायोजियो केमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल ठीक है सो न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम आर नॉट डिप्लीटेड हमारे इकोसिस्टम में जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है ड्यू टू देयर ट्रांसफ़र और रिसाइकलिंग थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इको ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे इकोसिस्टम के जो अलग अलग कंपोनेंट है कहने का मतलब बायोटिक और ए बायोटिक इनके बीच इन न्यूट्रिएंट का क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है या रिसाइकिलिंग हो रहा है रिसाइकिलिंग समझते हो ना वापस से उस न्यूट्रिएंट का फॉर्मेशन हो रहा है अलग अलग इकोसिस्टम के कंपोनेंट के अंदर तो इसे ही हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं ठीक है थीके? इसे और अच्छे से समझते हैं पहले तो हम यहाँ ये यह समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकिल साइकिल का मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वापस अगर वहीं आके खत्म हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं साइकिल कहने का मतलब इन्वामेंट में जो भी न्यूट्रिएंट है मान लीजिए हम न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं तो ये न्यूट्रिएंट मान लीजिए यहाँ है और वापस ये अलग कम एको के कंपोनेंट में क्या हुआ ट्रांसफर हुआ मान लीजिए ये ए बायोटिक में था अब ये चला गया बायोटिक कंपोनेंट में ठीक है अब बायोटिक कंपोनेंट के बाद अगेन अगर ये ए बायोटिक यानी इसी सिस्टम में वापस आ जाए तो ये जो प्रोसेस है इसे ही हम क्या बोलते हैं न्यूट्रीन साइकिल फिर वट इज़ न्यूट्रिएंट साइकिल फिर से समझ रहे हैं वैसा साइकिल जिससे न्यूट्रिएंट्स हमारे इकोसिस्टम में रिसाइकल होते रहे इसे ही हम क्या बोलेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल ठीक है सो so, न्यूट्रिएंट अगर पूछा जाए इकोसिस्टम में क्यों डिप्लीट नहीं होते हैं तो डिप्लीट होने का रीज़न ये है डिप्लीट नहीं होने का रीज़न ये है कि उनका क्या होता है न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र होता है रिसाइक्लिंग होता है हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट के बीच और ये जो प्रोसेस है रिसाइकिलिंग का या ट्रांसफ़र का इसे ही हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं समझ में आ गई बात तो व्हाट इज़ बायोजियो केमिकल साइकिल या व्हाट इज़ न्यूट्रिय साइकिल सिंपली एक वर्ड में एक सेंटेंस में हम आंसर देंगे न्यूट्रिय साइक्िंग साइकिल इज रीसाइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिय अमाउंट डिफरेंट कम्पोनेंट ऑफ इको सिस्टम ठीक है और इससे क्या होगा जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे इको सिस्टम में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे ठीक है ना जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कितने टाइप के होंगे दो टाइप के होंगे नॉट न्यूट्रिय सॉरी जो साइकिल है वो कितने टाइप के होंगे दो टाइप के होंगे ठीक है यानी जो बायोजियो केमिकल साइकिल है जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ठीक है ये कितने टाइप के होंगे दो टाइप के होंगे पहला गैसियस साइकल और दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल पहले हम समझते हैं गैसियस साइकिल का मीनिंग गैसियस कहने का मतलब क्या गैसियस अगर टर्म आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है एयर की बात ठीक है सो गैसियर साइकिल कहने का मतलब एयर साइकिल यानी वैसा साइकिल जो हमारे अर्थ के एयर वाले स्पेयर में हो रहा है और एयर वाला स्पेयर हम किसे बोलते हैं एटमोसफेयर को क्लियर yeah. एयर वाला स्फेयर हम किसे बोलते हैं एटमोसफेयर को सो so, वैसा साइकिल जो कौन से स्फेयर में चलेगा कौन से स्फेयर में मिलेगा आपको एटमोसफेयर में मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे गैसियस साइकिल ठीक है यानी रिजर्वायर इज प्रेजेंट इन एटमोसफेयर कहने का मतलब जो न्यूट्रिएंट होगा वो कहाँ आपको मिलेगा वो एयर में मिलेगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन और कार्बन का साइकिल क्लियर बात ठीक है सो गैसे साइकिल कहने का मतलब वैसा साइकिल जो आपको कहाँ मिल रहा है एयर में मिल रहा है उसे हम बोल रहे हैं गैसेस साइकिल और फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आ जा रहा है नाइट्रोजन एंड कार्बन अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिय साइकिल इज सेडिमेंट्री साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल कहने का मतलब सेडिमेंट्स कहने का मतलब क्या होता है रॉक्स या क्रस्ट अर्थ क्रस्ट ठीक है So, वैसा साइकिल जो आपको लिथोस्फेयर में मिल रहा होगा लिथोस्फेयर कहने का मतलब अर्थ क्रस्ट में मिल रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे सेडिमेंट्री साइकिल समझ में आ गई बात यानी रिजर्वायर इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट कहने का मतलब यहाँ जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे फॉर एग्जांपल फास्फोरस एंड सल्फर ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर क्वेश्चन आता है कि सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं गैसे साइकिल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं सो गैसे साइकिल के अंदर वैसे न्यूट्रिएंट्स आएंगे जो आपको कहाँ मिलेंगे एयर में मिलेंगे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन कार्बन सेडिमेंट्री साइकिल मतलब वैसे साइकिल जिनमें न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ मिलेंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉस्फोरस एंड सल्फर समझ में आ गई बात ठीक है सो बायोजियो केमिकल साइकिल में हमें इन्हीं दोनों साइकिल्स के बारे में डिस्कस करना है ठीक है सो एन सी आर टी में अगर देखा जाए तो दो साइकिल्स दिए हुए एन सी आर टी के अंदर पहला कार्बन साइकिल दिया हुआ है और दूसरा फॉस्फोरा साइकिल दिया है। हम लोग इन इन दोनों के को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इन दोनों के अलावा एक नाइट्रोजन साइकिल को भी पढ़ेंगे बिकॉज नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत आता है और इलेवेंथ वाले पार्ट में नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया हुआ है प्लांट कैसे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ठीक है सो so, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सो so हम नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल को डिटेल में स्टडी करेंगे सो so, स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल ठीक है नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है जो एटमोसफेयर नाइट्रोजन साइकिल कौन से साइकिल के अंदर आता है गैसेस साइकिल के अंदर आता है ठीक है गैसेस साइकिल कहने का मतलब वैसा साइकिल जिनके न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ मिलेंगे एयर यानी एटमॉस्फेयर में मिलेंगे तो नाइट्रोजन कहाँ मिलता है एटमॉस्फेयर में सो so, हमने यहाँ लिखा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्लियर अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है पहले तो इन्हें फिक्स किया जाता है फिक्स कर, कर, कर करने का मतलब क्या होता है यूज़ेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं होता है ठीक है सो पहला जो प्रोसेस आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखा है बायोलॉजिकल एंड टू फिक्सेशन कहने का मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं तो प्लांट क्या करता है विद दी हेल्प ऑफ बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया ये क्या करेगा नाइट्रोजिनेज इंजाइम के मदद से कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस को किस में अमोनिया में ठीक है किस में कन्वर्ट करेगा अमोनिया में ठीक सो so, उसी तरह जो इंडस्ट्री से एन टू फिक्स हो रहा है तो इंडस्ट्री से भी जो केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं ठीक है थीके? वो भी में कन्वर्ट किए जाएंगे अमोनिया में कन्वर्ट किए जाएंगे बट जो इलेक्ट्रिकल N2 टू फिक्सेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है इसमें जैसे लाइटनिंग है थंडरिंग है इससे डायरेक्टली आपको अमोनिया नहीं फॉर्म हो रहा है यहाँ जो आपको मिल रहा है यहाँ पे आपको मिल रहा है एनओ थ्री माइनस कहने का मतलब डायरेक्टली आपको मिलेगा नाइट्रेट आयन ठीक है यानी नाइट्रोजन साइकिल में पहले तो आपको ये समझना होगा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को तीन तरह से फिक्स किया जाता है पहला कौन सा बायोलॉजिकल एन फिक्सेशन इसमें ये कौन कर रहा है ये प्लांट्स कर रहे हैं ठीक है प्लांट्स किसके मदद से कर रहे हैं अलग अलग बैक्टीरिया की मदद से कर रहे हैं किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनिया में ठीक है मतलब और भी अगर हम डिटेल में जाएं तो आपको याद होगा सबसे पहला जो प्रोसेस होता है क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट किया जाता है प्लांट के यूजेबल फॉर्म में ये कौन करता है जैसे साइनोबैक्टीरिया इस प्रोसेस को करेगा नाइट्रोजिनेज इंजेम के हेल्प से कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में ठीक है फिर क्या होता है कन्वर्जन होता है अमोनिया का किस में नाइट्रेट में यानी एनओ टू माइनस आयन में ठीक है ये कौन करता है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया ठीक नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया क्या कर रहा है अमोनिया को कन्वर्ट करता है एनओ टू माइनस आयन कहने का मतलब नाइट्राइट में और नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया ठीक और फिर प्लांट में क्या किया जाता है इनकॉर्पोरेट किया जाता है अमोनिया को या फिर नाइट्रेट को ठीक है प्लांट इसको ले लिया प्लांट इसको ले लिया फिर प्लांट को कौन फीड करेगा एनिमल ठीक एनिमल फीड करेगा अब एनिमल का जब डेथ होगा या उसके जो वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होंगे उन्हें हम क्या बोल रहे हैं डिकेइंग बायोमास ठीक अब इस बायोमास से अगेन क्या रिलीज हुआ क्या फॉर्म होगा अमोनिया तो ये जो प्रोसेस है अमोनिया फॉर्मेशन का इसे हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन ठीक है यानी इस प्रोसेस में हो क्या रहा है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को क्या किया जा रहा है पहले फिक्स किया जा रहा है मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं जो अमोनिया है वो आपको दो प्रोसेस से मिलेगा पहला बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन जो कि प्लांट और बैक्टीरिया की मदद से होता है दूसरा इंडस्ट्रियल एंटूफिक्सेशन इंडस्ट्री से जो केमिकल रिलीज़ होते हैं उसके थ्रू अमोनिया रिलीज़ हो रहा है बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड टू फिक्सेशन में डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है नाइट्रेट आयन मिल रहा है याद रखिएगा इस चीज को ठीक प्लांट कौन किसको यूज करता है प्लांट किसका अपटेक करेगा नाइट्रेट आयन का तो इसीलिए इस अमोनिया का कन्वर्जन किस में होता है एनओ टू माइनस आयन कहने का मतलब नाइट्राइट आयन ठीक है तो अमोनिया में कन्वर्ट होगा नाइट्राइट आयन में नाइट्राइट आयन में कन्वर्जन जो हो रहा है अमोनिया से नाइट्राइट आयन बनने का जो प्रोसेस है ये कौन करा रहा है नाम याद रखिएगा नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया ठीक है उसके बाद नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट में कन्वर्जन जो हो रहा है ये कौन करा रहा है ये करा रहा है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया ठीक है एंड फाइनली जो अलग अलग सोर्सेज से चाहे बायोलॉजिकल नाइट टू फिक्सेशन हो या इंडस्ट्रियल नाइट एन टू फिक्सेशन हो या इलेक्ट्रिकल एंड टू तीनों से फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है नाइट्रेट आयन और इसका अपटेक कौन करेगा प्लांट करेगा ठीक है प्लांट इसको यूज करेगा एंड प्लांट को कौन फीड करता है कंज्यूमर दैट इज एनिमल्स फिर एनिमल से जो डिकेइंग बायोमास रिलीज होंगे उनसे फिर, फिर फर्दर इन्वायरमेंट में क्या रिलीज हो जाएगा अमोनिया ठीक है तो ये एक साइकिल चल रहा है इन साइकिल के बीच अब आप पूछोगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ है तो फाइनली आपको क्या मिलना चाहिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो वो कैसे मिलेगा तो यहाँ जो आप देख रहे हैं नाइट्रेट आयन अगर इसका यूज़ प्लांट करेगा तो वापस से आपको अमोनिया मिल जाएगा ठीक है लेकिन अगर ये एनोरोबिक बैक्टीरिया के एक्शन में आ गया यानी जो नाइट्रो नाइट्रेट आयन है इसको एनारोबिक बैक्टीरिया ने ब्रेक किया तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिल जाएगा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी नाइट्रीफिकेशन ठीक है वी नाइट्रीफिकेशन ध्यान से सुनिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ नाइट्रेट यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप नाइट्रेट को नाइट्रेट को क्या कर रहे हो ब्रेक कर रहे हो बैक टू नाइट्रोजन गैस बैक टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द एक्शन ऑफ किसके एक्शन से एन एरोबिक बैक्टीरिया क्लियर बात समझ में आगे बात ठीक है यानी ये जो साइकिल है इसमें कौन कौन से स्टेप हो रहा है अमोनिफिकेशन यानी अमोनिया का फॉर्मेशन नाइट्रिफिकेशन कहने का मतलब जो अमोनिया का कन्वर्जन हो रहा है ये जो अमोनिया है इसका कन्वर्जन हो रहा है किस में नाइट्रेट आयन में इसे हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं फिर डी नाइट्रिफिकेशन कहने का मतलब ये जो नाइट्रेट आयन है इसका कन्वर्जन हो रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन वेरी वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन कहने का मतलब ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन इंडस्ट्रियल फिक्सेशन या इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन तो अलग अलग ये जो फिक्सेशन के मैथड इससे एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में क्या किया जा रहा है कन्वर्ट किया जा रहा है जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू अमोनिया बन रहा है और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू एनोथ्री माइनस बन रहा है अब इसको थोड़ा और अच्छे से हम एक चार्ट के फॉर्म में समझते हैं अब अगर इस फ्लो चार्ट में हम देखें यहाँ मैंने अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है खुद से चार्ट बनाया है नाइट्रोजन साइकिल का यहाँ यहाँ देखिए यहाँ पे हमने लिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा बैक्टीरियल फिक्सेशन है ये एक बैक्टीरिया की मदद से होता है ऑफ एयर बाई राइजोबियम एजोटोम यहाँ बैक्टीरिया के अलग अलग नाम मैंशन है इन सब के मदद से क्या हो रहा है नाइट्रोजन फिक्स होगा ठीक है सो यहाँ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रजेंट है अब ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू प्लांट में आ जाएगा प्लांट प्रोटीन के फॉर्म में ठीक है अब इन प्लांट प्रोटीन का या तो डायरेक्टली डेथ हो गया तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गए ठीक है या इन प्लांट को किसने कंजम कर लिया एनिमल ने कंज्यूम किया तो एनिमल प्रोटीन के फॉर्म में मिला अब इस एनिमल का डेथ होगा या इस एनिमल से जो वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा ये सब एक साथ मिल करके क्या बनाएंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर ठीक है डेड ऑर्गेनिक मैटर में अब नाइट्रोजन आ गया है ठीक है और ये किस फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है अमोनिया के फॉर्म में याद रखिएगा इसको ठीक है इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन या इसे ही हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन ठीक है इसमें क्या हो रहा है डिकम्पोजिशन हो रहा है ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है इनका क्या हो रहा है डिकम्पोजिशन या बोल सकते हो ऑक्सीडेशन बाय बैक्टीरिया ठीक है सिंपली याद रखिए किसके थ्रू हो रहा है बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है ठीक और ये कौन सा बैक्टीरिया है जिसके थ्रू कन्वर्जन होता है बस नाम याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया ठीक है अब ये अमोनिया कहाँ गया इन्वायरमेंट में इस अमोनिया को अब किस में कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्राइट आयन में ठीक है ये किसके थ्रू होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के थ्रू होता है ठीक है यानी अमोनिया का हुआ ऑक्सीडेशन नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के थ्रू या एक और बैक्टीरिया है कौन सा बैक्टीरिया है नाइट्रोकोकस ठीक है नाइट्रोसोमोनास मुनासर नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अमोनिया जो इन्वायरमेंट में आया है अलग अलग सोर्सेज के थ्रू उसका क्या हो रहा है फिक्सेशन कन्वर्जन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है अमोनिया का किस में नाइट्राइट आयन में ठीक है कन्वर्जन हो गया अमोनिया का किस में नाइट्राइट आयन में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रीफेसन ठीक अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट देखा जाए तो नाइट्राइट आयन का कन्वर्जन होगा नाइट्रेट आयन में फिर से बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन होगा और इस बार बैक्टीरिया कौन सा है नाइट्रोडैक्टर अगेन एनओ टू किस में कन्वर्ट हो गया एनओ टू माइनस नाइट्राइट आयन कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट आयन में ठीक है अब फिर फर्दर क्या होगा कंजम्पशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर बाई प्लांट फिर से प्लांट इसको फीड करेंगे और फिर क्या होगा प्लांट फीड करेंगे प्लांट एनिमल फीड करेगा ठीक है और प्लांट का डेथ होगा तो ऑर्गेनिक मैटर एनिमल का डेथ होगा फिर से ऑर्गेनिक मैटर फिर से आपको इन्वायरमेंट में क्या मिलेगा अमोनिया तो ये प्रोसेस क्या होगा चलते रहेगा यहीं अगर एनारोबिक बैक्टीरिया ने एक्शन किया तो क्या होगा वापस से नाइट्रेट आयन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एन टू में यानी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में और ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं डी नाइट्रीफिकेशन समझ में आ गई बात ठीक है तो बेसिकली होगा क्या अगेन हम लोग जो हमने पहले देखा था उसमें आते हैं यहाँ क्या हो रहा है जो एटमोसफियर में नाइट्रोजन है ठीक है इस नाइट्रोजन को पहले हमें कन्वर्ट करना है यूजेबल फॉर्म में ठीक है तो इसके लिए हमें उसे फ़िक्स करना होगा जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्स करने में जो पहला प्रोसेस है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें क्या होता है जो बायोटिक कंपोनेंट है वो फिक्स करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट हम या एनिमल्स को ले सकते हैं प्लांट को ले सकते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं एनिमल और प्लांट के थ्रू जो इन्वामेंट में मिल रहा है आपको एन यानी अमोनिया अब इंडस्ट्री रिलीज़ के थ्रू भी इंडस्ट्रीज़ के केमिकल के डिस्चार्ज के थ्रू भी आपको क्या मिलेगा अमोनिया ही मिलेगा और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू आपको डायरेक्टली क्या मिल जाता है नाइट्रेट आयन मिल जाता है ठीक सो so, अब इस अमोनिया को अगर आपको प्लांट तक पहुंचाना है तो इसको तो कन्वर्ट करना ही करना होगा किस में नाइट्रेट में तो इसके ये जो कन्वर्जन आप देखते ही होता है पूल में यहाँ मैंने मेंशन किया है किस में होता है पूल में तो इसमें हो क्या रहा है पहले अमोनिया है अमोनिया को कन्वर्ट किया गया है सबसे पहले किस में नाइट्राइट आयन में और ये कौन करा रहा है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया ठीक है अब इसको कन्वर्ट किया गया फाइनली नाइट्रेट आयन में और नाइट्रेट आयन को में कन्वर्जन कौन कराएगा नाइट्राइट से बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर ठीक अब फाइनली अपटेक होगा बाय प्लांट्स और प्लांट इसको का अपटेक करेगा फिर प्लांट्स के जब नाइट्रेट आयन को लेगा तो प्लांट में आ गया नाइट्रोजन ठीक है अब इसका कंजम्पशन प्लांट का कंजम्पशन कौन करता है एनिमल्स कंज्यूमर हम बेसिकली बोल सकते हैं फिर या तो प्लांट का डिकेइंग मास या एनिमल का डिकेइंग मास कोई भी सॉइल में आ गया ठीक है अगेन इसका क्या होगा डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया कराएगा साइनोबैक्टीरिया कराएगा ठीक है और कन्वर्ट करेगा इसको अगेन किस में अमोनिया में तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं अमोनिफिकेशन ठीक और अगर ये जो नाइट्रेट आयन नाइट्रेट आयन फॉर्म हुआ है इसका एक्शन किसने किया एनोरोबिक बैक्टीरिया ने तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन समझ में आगे बात सो बेसिकली यहाँ हो यहाँ हो क्या रहा है देखा जाए तो जो स्टेप्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में है पहला एंटू फिक्सेशन एंटू फिक्सेशन है क्या इट इज़ दी कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फ़ेरिक नाइट्रोजन इन टू फॉर्म यूजेबल बाई दी प्लांट्स मतलब एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जा रहा है प्लांट जिस फॉर्म में उसको यूज कर सकता है उस फॉर्म में पहली पहली चीज़ सर्टेन बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया कैन परफॉर्म दिस प्रोसेस बाई यूजिंग नाइट्रोजन इज इंजें जैसे साइनोबैक्टीरिया है कुछ बैक्टीरिया में क्या आ जाता है साइनोबैक्टीरिया में आ जाता है तो साइडो बैक्टीरिया क्या करता है इस प्रोसेस को करता है कौन सा प्रोसेस ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ठीक है तो इसमें कन्वर्ट करेगा किसके मदद से नाइट्रोजिनेज़ एंजाइम की मदद से दीज कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस टू अमोनिया तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया अमोनिया मिल गया तो यही जो प्रोसेस है अमोनिया फॉर्मेशन का इसे नॉट आम, अमोनिया फॉर्मेशन का अमोनिया में कन्वर्जन का तो इसे हम क्या बोल रहे हैं एंड टू फिक्सेशन इन एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है ठीक है दूसरा प्रोसेस है ना, नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट ठीक है सो अब इसमें होगा क्या स्टेप बाय स्टेप समझिए नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस कन्वर्ट इट इनटू नाइट्राइट पहले तो अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्राइट यानी एनओ टू माइनस आयन में विच इन टर्न कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर जो कि फिर बाद में किस में कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट यानी एनओ थ्री माइनस आयन में किसके मदद से नाइट्रोबैक्टर तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा जो अमोनिया से सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जा रहा है ये कौन बैक्टीरिया कराएगा नाइट्रोसो एंड नाइट्रोकोकस बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ठीक है एंड जो नाइट्राइट है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करेगा कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर ठीक है तो ये जो प्रोसेस है जिसमें अमोनिया को कन्वर्ट किया जा रहा है नाइट्रेट में सॉइल पूल के अंदर तो इसे हम बोल रहे हैं नाइट्रीफिकेशन अनदर स्टेप इज एसीमेशन एसीमिलेशन कहने का मतलब अब तो नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो गया है? ठीक है अब नाइट्रेट आयन कौन यूज करेगा प्लांट अमो, प्लांट अपटेक ले करेगा ठीक है तो इट इज़ दी इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रेट फॉर्म बाय दी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो अमोनिया या जो नाइट्रेट फॉर्म हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू उसको प्लांट में इनकॉर्परेट किया जाएगा हाँ एंड नाइट्रीफिकेशन इन टू द्लांट देयर रूट एब्जॉर्ब दिस जो प्लांट के रूट हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर लेंगे ये कैसे करेंगे ये हमने ऑलरेडी एलेवेंथ क्लास में डिस्कस करा हुआ है एंड इट गेट एसिम्युलेटेड इन टू दी प्लांट बॉडी तो प्लांट बॉडी में इसका यूज़ कर लिया जाएगा क्यों क्योंकि प्लांट ये कन्वर्ट हो चुका है अब यूजेबल फॉर्म में ठीक है प्लांट अब इसको यूज़ कर लेगा नेक्स्ट स्टेप जो होगा अमोनिफिकेशन अमोनीफिकेशन ध्यान से सुनेगा एंड टू फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन में बहुत डिफ्रेंस है यहाँ क्या हो रहा है अमोनिया नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस से फॉर्म हो रहा है और अमोनिफिकेशन में क्या होगा इट इज़ दी कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म हुआ है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में नहीं कन्वर्ट किया जा रहा है ठीक है ना यहाँ जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन था उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है इसे हम एंटूफिक्सेशन बोलते हैं अमोनिफिकेशन क्या है ध्यान से सुनिए इट इज़ दी कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है अमोनिया में अब ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है या एनिमल के वेस्ट के अंदर प्रेजेंट है क्योंकि एनिमल ने प्लांट को फीड किया है ठीक है तो दिस अमोनिया इज देन रिलीज इन टू द इन्वायरमेंट एनरी तो ये जो अमोनिया जब इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रहा है और उसका फिर क्या रहा हो रहा है रीयूज़ हो रहा है यही जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट और एनिमल के थ्रू इन्वायरमेंट में अमोनिया आ रहा है इसे हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन यानी प्लांट्स या एनिमल किस फॉर्म में रिलीज़ करते हैं नाइट्रोजन प्रोडक्ट को अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन को किस फॉर्म में रिलीज़ करते हैं अमोनिया के फॉर्म में तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमोनिया में ठीक है और इसका रीयूज़ कैसे होगा ये हम लोग देख चुके हैं एंड लास्ट जो है दैट इज़ डी इसमें क्या होगा अगर प्लांट अपटेक नहीं कर रहा है दूसरे तरफ मूव कर जा रहा है दूसरे तरफ कहने का मतलब इट इज दी प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ नाइट्रेट्स बैक टू नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में वापस से कन्वर्ट कर देना कैसे बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग नाइट्रेट को तोड़ करके बाय द एक्शन ऑफ किसके एक्शन से एनोरोबिक बैक्टीरिया तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी तो इसमें आपने देख लिया जैसा आपने इन्वायरमेंट में छोड़ा था वैसा ही आपको वापस से मिल गया और वो साइकिल लगातार चलते रहता है चलते रहता है तो यही जो साइकिल है नाइट्रोजन का इसे ही, ही हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गई बात ठीक है अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा गैसियस साइकिल देखते हैं कार्बन साइकिल जो हमारा एन में मैंशन है अब कार्बन साइकिल समझना ज़्यादा आसान नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा टफ था इसीलिए हमें अलग अलग स्टेप्स में उसे समझना पड़ा ठीक है अब हम लोग देखते हैं कार्बन साइकिल कार्बन साइकिल में अगेन क्या होगा एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन नॉट नाइट्रोजन एटमोसफेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है एटमोसफेयर में ठीक है तो एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिया जाता है प्लांट लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट एटमोसफेरिक सी को लेते हैं ठीक है थीके? अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में गया प्लांट में गया तो ऑब्वियस ही बात है टेरेस्ट्रियल फूड चेन में चला जाएगा ना फूड चेन कहने का मतलब प्लांट से हारवीवोर्स हार्वीव से कार्नीवोर्स तो पूरे के पूरे टेरेस्ट्रियल फूड चेन के अंदर चला गया ठीक है अब उस फूड चेन के अंदर जितने भी मेम्बर आ, आ रहे थे जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स में बायोटिक कंपोनेंट्स आ रहे थे उन सबका क्या होगा डेथ होगा तो डेथ होने के बाद उनका डिकम्पोजिशन होगा तो किस में चले जाएंगे ट्राइटस फूड चेन में ठीक है तो फाइनली डेट्राइटस फूड चेन के बाद आपको क्या मिल जाएगा वो या तो फॉसिल फ्यूल के रूप में मिल जाएंगे या आप उसका यूज़ किस फॉर्म में आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ऑयल या नेचुरल गैस के फॉर्म में यानी आपको एक क्या मिला ऑयल या नेचुरल गैस या फॉसिल फ्यूल अब फॉसिल फ्यूल कहने का मतलब क्या होता है ये जो डेथ uh, हुआ है प्लांट्स का एनिमल्स का वो सॉइल के अंदर बहुत सालों तक रह जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं फॉसल फ्यूल्स ठीक है तो उसमें क्या प्रेजेंट है कार्बन ठीक है तो अब इस फॉसल फ्यूल को कन्वर्ट किया जाएगा कोल में ठीक है और फिर कोल का क्या होगा कम्बशन होगा फॉर एनर्जी हीट वहीकल एक्सेट्रा अलग अलग चीज़ों के लिए इसका कम्बसन होगा तो कंबसन होने के बाद क्या फाइनली अगेन आपको क्या मिल जाएगा एटमोसफेयर में सी ओ टू मिल जाएगा ठीक है एक तो ये प्रोसेस हुआ दूसरा ये जो एटमॉस्फेरिक सी ओ टू है अगर आप इसको देखें तो यहाँ क्या हो रहा है एक्वेटिक हैबिटेट भी फोटो सिंथेसिस करते हैं ना तो फोटो सिंथेसिस करेंगे तो उसमें एटमॉस्फेरिक सी ओ टू का यूज़ करेंगे अब सी ओ टू कहाँ चला गया वाटर में ठीक है वाटर में फ़ाइटो ने इसका यूज़ किया जो कि क्या है प्रोड्यूसर से हम लोग पढ़ चुके हैं अब फाइटो क्या करेंगे इनका जब डिकेइंग ऑर्गेनिज़म होगा तो ये डिकेइंग ऑर्गेनिज़म कहने का मतलब जब इनका डेथ होगा डेथ होगा तो क्या होगा जो डिकेइंग डेड बायोमास है वो रिलीज़ होंगे तो अब कैल्केरियस सेडिमेंट्स जो सेट रिवर के नीचे सेटल हो जाएंगे ठीक है या किसी भी एक्वेटिक बॉडी के नीचे सेटल हो जाएंगे फिर आपको ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स ये सब से मिलेगा ठीक है तो ये अगेन क्या होगा फॉसिल्स के फॉर्म में मिलेगा और फॉसिल्स को अगेन क्या होगा कंबशन होगा कंबशन होगा तो अगेन आपको क्या होगा एटमोस्फेरिक सी मिलेगा या ये इसके थ्रू आपको ऑयल या नेचुरल गैस मिल सकता है ठीक है ना ये सारे स्टेप्स आप पढ़े होंगे बस बेसिकली आपको यहाँ ये यह समझना है कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अलग अलग प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं वापस से रिसाइकल कर सकते हैं ठीक है या तो आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस के फॉर्म में ये मिलेगा या फॉसल फील्ड के के फॉर्म में मिलेगा यहाँ कैल्केरियस सेडिमेंट्स या ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स जो है ये भी किस में मिल किस फॉर्म में मिल सकते हैं ऑयल या नेचुरल गैस के फॉर्म में या फॉसिल्स के फॉर्म में भी मिल सकते हैं बेसिकली अगर एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक में ज़्यादातर केसेस में आपको किस फॉर्म में मिलेगा ऑयल एंड नेचुरल गैस के फॉर्म में मिलेगा समझ में आ गई बात ठीक है तो ऑयल एंड नेचुरल गैस का अगर आप यूज करेगा तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक सी ओ टू में ठीक है समझ में गई बात अब हम लोग बात करते हैं कार्बन के बारे में थोड़ा ध्यान से सुने का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर एक पॉइंट से कभी ना कभी क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है ना सो so, पहला पॉइंट फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट टू वाटर मतलब कार्बन जो है क्या कंटेन करता है फोर्टी नाइन परसेंट टोटल ऑर्गेनिज्म का जो ड्राई वेट है उसका फोर्टी नाइन परसेंट अगर पूछा जाए कौन कंटेन करता है तो कार्बन किसके बाद नेक्स्ट आफ्टर टू वाटर वाटर के बाद ठीक है सेकेंड पॉइंट सेवेंटी वन परसेंट डिजोल्व इन ओशनिक एन्वायरमेंट कार्बन का जो इकहत्तर परसेंट पार्ट है वो किस में डिजोल्व है ओशंस के अंदर डिजोल्व है ओशनिक एन्वायरमेंट में ठीक वन परसेंट ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमोसफेयर एटमोसफेयर में जो कार्बन प्रजेंट है टोटल नॉट एटमोस्फेयर टोटल जो हमारे ग्लोबल में कार्बन प्रेजेंट है उसका वन परसेंट कहाँ प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में आपको सबको पता है कि कार्बन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में कहा कम है अदर गैसेस के कंपैरिजन में ठीक है सो कितना है जितना कार्बन प्रेजेंट है ग्लोबल में उसका सिर्फ एक परसेंट पार्ट कहाँ प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में इकहत्तर परसेंट है ओशनिक एन्वायरमेंट में ठीक है ना इसके बाद अनदर पॉइंट कार्बन साइक्लिंग ऑकर थ्रू किसके थ्रू होता है एटमोस्फेयर के थ्रू होता है ओशनिक हमने अभी देखा कार्बन साइक्लिंग एटमोसफेयर के थ्रू हो रहा है ओशनिक इन्वायरमेंट के थ्रू है लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है ठीक है तो इन सब के थ्रू क्या हो रहा है कार्बन का साइक्लिंग हो रहा है इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिएगा फोर इंटू टेनजू दावर थ्री के जी कार्बन आर रिलीज्ड इन एटमोसफेयर थ्रू फोटो एनुअली समझ में आई बात यानी फोर इंटू टेन टू द पावर थ्री के जी कार्बन रिलीज किया जाता है एटमोसफेयर में किस प्रोसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू हर साल का ये डेटा याद रखिएगा ठीक है इसके बाद सोर्सेज ऑफ कार्बन फॉर एटमोसफेयर एटमोसफेयर में कार्बन के क्या क्या सोर्सेज है पहला तो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है ना रिस्परेशन प्रोसेस से रिस्परेशन प्रोसेस से हम क्या रिलीज़ करते हैं सी ओ टू रिलीज करते हैं तो पहला तो सोर्स ये हो गया दूसरा डिकम्पोजर्स थ्रू डिकम्पोजिशन है अब जो भी डिकेइंग बॉडी है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है सरे गले पदार्थ हैं उनका डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया कर रहे हैं ठीक है, है? माइक्रोब्स कर रहे हैं तो डिकम्पोजिशन एक्टिविटी के थ्रू भी क्या रिलीज़ हो रहा है कार्बन रिलीज़ हो रहा है ठीक तीसरा बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फ्यूल वुड कम्बशन ऑफ फॉर्सल फ्यूल फॉर एनर्जी हीट वहीकल एक्सेट्रा ऑल्सो ह्यूमन अगर आप फॉरेस्ट बर्न कर रहे हैं या फ्यूल जला रहे हैं कम्बशन जिसे बोलते कम्बशन ऑफ फॉरसल फ्यूल्स किसके लिए एनर्जी के लिए हीट हीट के लिए वहीकल्स में ठीक है तो ये सारे जो एक्टिविटी है सबसे भी क्या रिलीज हो रहा है एटमोसफेयर में कार्बन तो ये सारे जो प्रोसेस हैं इनसे क्या हो रहा है कार्बन इन्वायरमेंट में आपको मिल रहा है समझ में आ गई बात ठीक है क्लियर बात तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये रिलेटेड थे कार्बन साइकिल से ठीक अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉस्फोरस साइकिल ठीक है फॉस्फोरस साइकिल किसके अंदर आता है सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर आता है जो कि आपको अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है ठीक है ना तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्थ क्रस्ट यानी रॉक मटेरियल है ठीक है रॉक मटेरियल रॉक्स में क्या प्रेजेंट है फर्स्टफोरस प्रेजेंट है अब वेदरिंग प्रोसेस वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है रॉक्स का जो ब्रेक डाउन होता है अलग अलग इन्वामेंट फैक्टर्स के कारण ठीक है तो बेसिकली इसमें होता क्या है फाइनली आपको सॉयल मिलता है ठीक है तो रॉक में क्या प्रेजेंट था फर्स्फोरेस तो अब क्या सॉयल के सोल्यूशन में भी आपको क्या मिलेगा फर्स्टफोरेस ठीक है अब सॉयल सोल्यूशन में आपको क्या मिल रहा है फर्स्टफोरस अब इस सॉयल सॉल्यूशन के थ्रू ठीक है ये किस में जाएगा प्रोड्यूसर्स में यानी प्लांट्स में प्लांट से फिर किस में जाएगा कंज्यूमर में फिर कंज्यूमर से अगेन ये किस में जाएगा डे मतलब कंज्यूमर का डेथ होगा डिके सर फिर उनको कौन डिकम्पोज करेगा माइक्रोब्स अगेन वो कहाँ चला गया सॉयल सॉल्यूशन में फिर रन ऑफ होगा तो अगेन वो कहाँ मिलेगा रॉक मटेरियल्स के अंदर ठीक है तो फॉस्फोरस साइकिल में बेसिकली यही होता है रॉक मटेरियल में प्रेजेंट है फॉस्फोरस सॉइल में आया या डायरेक्टली सॉयल में प्रेजेंट है तो सॉयल से कहाँ गया प्रोड्यूसर के पास प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर फिर कंज्यूमर का डेथ हुआ डेथ हुआ तो डिकम्पोजिशन हुआ फिर से वो कहाँ वापस आ गया सॉयल में आ गया तो ये प्रोसेस क्या होता है लगातार चलते रहता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं फॉस्फोरस साइकिल बोल रहे हैं सेडिमेंट्री साइकिल बोल रहे हैं मेन रिजर्वायर अगर इसका पूछा जाए तो कौन होता है रॉक विच कंटेन देम इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेक्ट्स रॉक इसको कौन से फॉर्म में कंटेन करता है फॉस्फेट्स के फॉर्म में ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स हम सबको पता है फॉस्फोरस का यूज क्या है ये हमारे बोन्स के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है टिथ के लिए एंड सेल्स इन एनिमल एनिमल्स में सेल्स का भी फॉर्मेशन करता है ऑल्सो कंस्टिटुन ऑफ बायोमेम्ब्रेन न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम दैट इज़ एटीपी अगर देखा जाए तो फॉस्फोरस का बहुत यूज़ है जैसा कि हमने बायो मॉलिक्यूल्स में डिस्कस किया हुआ है बायो मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड में अगर आपको याद होगा तो फॉस्फेट का यूज़ था ना क्योंकि न्यूक्लिक एसिड किससे बना है डी एन ए या आर एन ए किसका बना है अगर आपको याद होगा तो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए ठीक है ना तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या था ना, 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 नाइट्रोजिनस बेस शुगर प्लस फॉस्फेट ठीक है तो वहाँ भी आपको न्यूक्लिक एसिड में क्या मिलेगा फॉस्फेट तो हमारा जो डी है आरएनए है आर सब में फॉस्फेट है सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर ए यानी एडिनोसिन ट्राई ये क्या है हायर न्यूक्लियोटाइड के अंदर आता है ना तो एटीपी एनर्जी है सेल का एनर्जी है इसी फॉर्म में आपको मिलता है तो ये जो एनर्जी है ये कब मिलेगा जब फॉस्फेट होगा तो ये आपको एसेंशियल है किसके लिए बोन्स के टिथ के एनिमल सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, लिए? क्यों वो हमने बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है अनदर पॉइंट द इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल इज़ मच लेस देन कार्बन मतलब जो रेनफॉल है उसके थ्रू फॉस्फोरस का आना वो काफ़ी कम है कार्बन क्योंकि कार्बन ज़्यादा आता है फॉस्फोरस के कंपैरिजन में एंड एक्सचेंज ऑफ फर्स्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट इज़ नेग्लिजिबल तो जो फर्स्फोरस का एक्सचेंज है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच वो बहुत ही कम है मतलब बिल्कुल निगलिजिबल है कार्बन बहुत ज़्यादा है फसफोरस के कंपैरिजन में अगर कार्बन से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही निग्लिजिबल है बट इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म में इसका भी क्या होता है साइकिलिंग होता है क्लियर बात तो ये था का फस्फोरस साइकिल सो so बेसिकली यहाँ पे हमने अपना एको का जो बायोजियो केमिकल साइकिल था उसे ख़त्म कर लिया बायोजिओ केमिकल साइकिल में हमने तीन अलग अलग तरह के साइकिल्स के बारे में पढ़ा नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल फॉस्फोरस साइकिल बाक़ी होता क्या है ये हम समझ चुके हैं अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हमने बायोटिक फैक्टर्स के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है क्या होता है नहीं होता है तो इकोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ बायोटिक और एबायोटिक e फैक्टर्स पे बात करना तो अब हम लोग पढ़ेंगे ए बायोटिक कम्पोनेंट के बारे में ठीक है मेजर ए बायोटिक कम्पोनेंट जो कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पार्ट है बट हमें हम उसे यहाँ समझेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमारे लिए ए e फैक्टर पढ़ना ज़्यादा आसान है ठीक है सो ए बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहला हम लोग देखते हैं लाइट लाइट का पर्पस क्या होता है फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर्स जो सन लाइट है वो कैसे हेल्प करता है तो वो प्रोड्यूसर्स उन सनलाइट का यूज़ करके क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो सन लाइट का पर्पस ही है क्या फोटोसिंथेसिस कराना और फोटोसिंथेसिस होगा तो ही तो प्रोड्यूसर्स को फूड मिलेगा और प्रोड्यूसर्स को फूड मिलेगा तो कंज्यूमर को फ़ूड मिलेगा तो अब यहाँ हमारे लिए आसान है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डायरेक्टली डिस्कस करना प्रोड्यूसर क्या होता है कंज्यूमर क्या होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में ठीक है सो प्रोड्यूसर्स किस को यूज़ कर रहे हैं लाइट को यूज़ कर रहे हैं किसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए जो यूज्ड पोर्शन है लाइट का जिसे हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन ये कितना होता है चार सौ से सात सौ नैनोमीटर होता है ठीक है यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द पी ए आर तो फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितना है चार सौ से सात सौ नैनोमीटर यानी प्लांट यूज़ ओनली टू टू टेन परसेंट ऑफ पी ए आर यानी जो भी रेडिएशंस आ रहे हैं प्लांट सिर्फ उसका दो से दस परसेंट ही यूज़ कर सकता है उससे ज़्यादा प्लांट यूज़ नहीं कर पाता है ठीक है सो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट एंड एनिमल अब लाइट का क्या इफेक्ट है प्लांट और एनिमल्स पे ये हम समझते हैं सबसे पहला फोटो एक्टिक मूवमेंट जिसे हम फोटोटैक्सिक बोलते हैं ये कैसा मूवमेंट है लाइट इंड्यूस्ड या लोकोमोटरी मूवमेंट इन प्लांट्स ठीक है ना मतलब लाइट के कारण जो प्लांट में मूवमेंट हो रहा है उसे हम बोलते हैं लाइट इंड्यूस मूवमेंट जैसे सनफ्लावर का मूवमेंट अगर आप देखते होंगे जिधर लाइट का डायरेक्शन होता है वो उधर ही टर्न हो जाता है तो ये जो है इसे हम बोलते हैं लाइट इंड्यूस लोकोमोट्री मूवमेंट इन प्लांट समझाई बात सो सन फ्लावर का जो मूवमेंट है वो कैसा मूवमेंट है फोटो एक्टिक मूवमेंट है जिधर सनलाइट का डायरेक्शन होगा उधर रिटर्न हो जाना दूसरा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ये है लाइट इंड्यूस ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट मतलब लाइट के टुवर्ड्स जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है इसे हम फोटोट्रॉपिज बोलते हैं लाइट के डायरेक्शन के टुवर्ड ग्रोथ तो ये जो मूवमेंट है ये कैसा मूवमेंट है लाइट इंड्यूस ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट्स का क्लियर सो फोटोकाइनेसिस इज अनदर वन ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट जिसमें क्या होगा ये जो है फोटोकाइनेसिस कैसा मूवमेंट है ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है जिसमें जो मूवमेंट का रेट है ठीक है ना लोकोमोटरी मूवमेंट यानी जो मूवमेंट का रेट है वो डिपेंड करता है लाइट के इंटेंसिटी पे इसे हम बोलते हैं फोटोकाइनेसिस ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल लार्वा ऑफ मसल क्रैप अमोंग रेड ब्राउन एंड ग्रीन एलगी रेड एलगी विल बी फाउंड इन मैक्सिमम डेथ अगर रेड ब्राउन और ग्रीन अलगी की बात करें तो रेड अलगी जो है वो मैक्सिमम डेप्थ में पाया जाता है वाटर में ऐसा क्यों बिकॉज दे आर पिगमेंट्स आर फाइको इरेथरीन कैन ट्रैप ब्लू ग्रीन पार्ट ऑफ रेडिएशन ट्रैप कर सकता है किसको? ब्लू ग्रीन पार्ट ऑफ रेडिएशन को विच ट्रैवल इन मैक्सिमम डेप्थ इन वाटर सो इसी कारण जो आर रेड uh, ग्रीन है रेड अलगी है वो कहाँ पे मिलता है आपको मैक्सिमम डेप्थ में वाटर में ठीक है नेक्स्ट एक टर्म है एल्बिडो वैल्यू एल्बिडो वैल्यू कहने का मतलब एबिलिटी ऑफ अर्थ सर्फेस टू रिफ्लेक्ट इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड एल्बिडो वैल्यू एल्बिडो वैल्यू कहने का मतलब होता है अर्थ का पैसा एबिलिटी जिससे वो जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उस पर उसको क्या कर दे रिफ्लेक्ट कर दे उसे हम बोलते हैं वैल्यू तो स्नो स्नो जो होता है वो कितना परसेंट कर देता है रिफ्लेक्ट एटी परसेंट सैंड कितना परसेंट करता है ट्वेंटी परसेंट और फॉरेस्ट कितना करता है फाइव टू टेन परसेंट ठीक है ना तो ये डेटा याद रखिएगा बिकॉज इससे क्वेश्चन आया हुआ व्हाट इज द एलबीडो वैल्यू ऑफ स्नो सैंड और फॉरेस्ट ठीक है ना सो एल्बिडो वैल्यू कहने का मतलब अर्थ सरफेस का वैसा एबिलिटी जिससे वो क्या करता है जो सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर दे उसे हम बोलते हैं एल्बिडो वैल्यू तो स्नो सबसे ज़्यादा करता है 80 परसेंट फिर सैंड 20 परसेंट फॉरेस्ट 5 टू 10 परसेंट नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर क्या आता है वाटर वाटर को और हम क्या बोलते हैं यूरी हेलाइन ऑर्गेनिजम फॉर एग्जाम्पल मैराइन ऑर्गेनिजम वाटर में बहुत सारे ऑर्गेनिज़म हैं जिनमें एक है यूरी हेलाइन ऑर्गेनिजम यूरी हेलाइन कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी कंडीशन वैसे ऑर्गेनिजम जो सॉल्टी कंडीशन को सलाइन कंडीशन को बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकते बहुत हद तक टॉलरेट कर सकते उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे यूरी हलाइन ठीक है व्हाट इज़ यूरी हलाइन ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी कंडीशन अनदर वन इज एसटीनो हलाइन फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सेल्यूनिटी कंडीशन मतलब जो ज़्यादा हद तक टॉलरेट नहीं कर सकता बस थोड़ा ही सैलिनिटी कंडीशन को वो टॉलेरेट कर सकता है ज़्यादा नहीं कर सकता उसे हम बोलेंगे स्टीनो हलाइन ऑर्गेनिज्म ठीक है सो यूरी हलाइन मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो सैलिनिटी कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं आसानी से फॉर एग्ज़ाम्पल मेराइन ऑर्गेनिजम और स्टीनो हलाइन ऑर्गेनिज्म मतलब वैसे ऑर्गेनिजम जो सेलिनिटी कंडीशन को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे स्टीनो ऑर्गेनिज्म फ़ॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ठीक है सो ए बायोटिक फैक्टर आज हमने बस थोड़ा सा स्टार्ट किया है इसमें हमने लाइट और वाटर के बारे में थोड़ा थोड़ा देखा है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ए बायोटिक फैक्टर्स से ही ए बायोटिक फैक्टर्स को और अच्छे से हम लोग समझेंगे और इसमें हम लोग टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर थैंक यू